हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रसिलास किचन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सरसाइज रूटीन शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। दो तीन दिन से ना फिर से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, ओनली मैं 20 मिनट्स का एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो भी जंपिंग वाला नहीं, स्टैंडिंग वाला ही हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर रही हूँ पेट के लिए। क्योंकि अब तक मैं ना दो तीन दिन तो मैं इवनिंग वॉक पर नहीं जा पाती हूँ, इसके लिए अभी मैं मॉर्निंग में 1.5 आवर का वॉक कर लेती हूँ फ्रेंड्स। फिर से शाम को 1/2 आवर वॉक जाने का ज़रूरत नहीं है, सुबह ही 1/2 आवर एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। क्योंकि ट्यूसडे को तो मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहते तो इवनिंग नहीं जा पाती हूँ। वेनेसडे को तो हम लोग का वेनेसडे बाज़ार लगता है इधर, तो तभी बाज़ार जाना रहता है तो तभी भी मैं इवनिंग नहीं जा पाती हूँ। और सैटरडे को जोएल का सर आते हैं जोएल को पढ़ाने के लिए इवनिंग को, तभी भी मैं नहीं जा पाती हूँ। इसके लिए मैंने सोची हफ्ते में दो तीन दिन तो नहीं जा पाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में 1/2 आवर एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो इवनिंग नहीं जाएगा तो भी टेंशन नहीं है। तो इसके लिए मॉर्निंग 1.5 आवर का वॉक कर लेती हूँ 6:00 से 7:30 तक। पहले 6:30 से 7:00 करती थी, अभी 1/2 आवर बढ़ा के मैं 6:00 से 7:30 तक कर लेती हूँ मॉर्निंग वॉक। तो मैं इवनिंग को थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक्सरसाइज कर लेती हूँ, स्टैंडिंग वाला हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा पेट कम करने के लिए, उतना ही है, दूसरा कुछ मुझे इतना टेंशन नहीं है, पेट का ही थोड़ा टेंशन है, वही कम करने के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज 15-20 मिनट का कर रही थी सैटरडे को। ये सैटरडे का वीडियो है फ्रेंड्स, तभी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोग से शेयर करने के लिए। क्योंकि सैटरडे को जोएल का सर आते हैं ना जोएल को पढ़ाने के लिए, 5:00 को आए थे, तो मेरा काम सब हो गया था किचन का पूरा, मैं डिनर वगैरह सब बना के भी रख दी थी, सब काम हो गया था फ्रेंड्स। तो मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ बेडरूम में आके कर रही थी, बेडरूम में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ कैसे भी, बट वीडियो शूट करने के लिए ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ट्राईपॉड रखने के लिए जगह प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कैसे कैसे करके बेड के ऊपर सेट कर दिया और कैसे कैसे करके मैंने थोड़ा सा वीडियो निकाली हूँ, ओनली आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं है आप लोग को मैं एक्सरसाइज सिखा रही हूँ, ओनली आप लोग को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो मैंने शूट की हूँ फ्रेंड्स। ऐसे हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके आप भी अपना वेट लूज़ कर सकते हो, बॉडी को शेप में ला सकते हो फ्रेंड्स। रेगुलर करना भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ अच्छा डाइट भी लेना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये सब एक्सरसाइज में भी मेरा 25 किलो वेट लूज़ की थी तभी करती थी, बट तभी जंपिंग वाला भी बहुत सारा एक्सरसाइज में करती थी, स्किपिंग भी करती थी, जंपिंग जैक्स ये सब बहुत सारा एक्सरसाइज में करती थी फ्रेंड्स, बट ना अभी नहीं हो पा रहे जंपिंग का एक्सरसाइज, इसके लिए स्टैंडिंग एक्सरसाइज हल्का फुल्का एक्सरसाइज ही मैं कर रही हूँ। क्योंकि सुबह भी 1.5 आवर का वॉक तो हो जाते हैं मेरा, बट बेली फैट कम करने के लिए थोड़ी बहुत ऐसे एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। अभी मेरा बॉडी थोड़ा हल्का सा फील हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है मुझे, क्योंकि बीच में मैं पुट ऑन की थी ना, अभी भी वेट मेरा ज़्यादा कम नहीं हुआ है, ओनली 2 किलो कम हुआ है मेरा, 59,700 थी ना, अभी 57,900 ऐसा कुछ है फ्रेंड्स, मीन्स 58 ही सोचिए। तो वेट तो थोड़ा कम मेरा धीरे से लूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, बट बॉडी बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है मुझे। अभी बीच में मैंने स्टार्ट किया वॉकिंग, उसके बाद बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है फ्रेंड्स। डेली का डेली वेट चेक मत कीजिए फ्रेंड्स, हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में 2 बार 1 बार ऐसा वेट चेक कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि डेली का डेली अपना वेट लूज़ नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा घटेगा, वो हिसाब से अपना वेट लूज़ होता है फ्रेंड्स। आप कितना भी हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए तो भी ऐसे ही है, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा घटेगा, वही हिसाब से अपना वेट लूज़ होता है। इसके लिए आप बाद में ये भी सोच सकते हैं ना, मैं इतना अच्छा खासा हेल्दी रूटीन फॉलो कर रही हूँ तो भी मेरा वेट क्यों नहीं लूज़ हो रहा है करके ऐसा डीमोटिवेट होने का चांस रहता है। इसके लिए आप डेली का मत चेक कीजिए, आप अपना हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो करते रहिए, और महीने में एक बार नहीं तो 2 बार अपना वेट चेक कीजिए, अपना वेट आपको लूज़ हुआ दिखेगा। तो मैं भी ऐसे करती थी, पहला वेट लॉस जर्नी में थी ना 5 महीना, तभी मेरे पास नहीं था वेट मशीन नहीं था, तो मैं महीने में एक बार जाके मैं क्लिनिक में चेक करती थी फ्रेंड्स, वेट चेक करती थी, वो अच्छा था फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था ना कितना बड़ा है कितना घटा है, कुछ भी नहीं था, मैं फ्री माइंड से मेरा हेल्दी रूटीन फॉलो करती थी, एक महीने में जाके मैं चेक करती थी, अच्छा खासा मेरा वेट लूज़ हुआ था फ्रेंड्स। तो कोई कोई ऐसे भी बताते हैं फ्रेंड्स डेली का डेली आप वेट चेक कीजिए करके, बट आप टेंशन नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट हम लोग का बढ़ा हुआ दिखेगा तो आप टेंशन नहीं लेंगे, डीमोटिवेट नहीं होएंगे, तो आप चेक कीजिए। मैं बहुत सारा एक्ट्रेस लोग का वीडियो देखती थी फ्रेंड्स, देखती थी मीन्स अभी भी देखती हूँ,
तो वो लोग भी वही बताते हैं, घर का बना हुआ सब कुछ खाइए, ओनली ऑयली फूड, शुगर शुगर आइटम यही थोड़ी बहुत छोड़ के बाकी सब दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना है घर का बना हुआ, ओनली पोषण कंट्रोल का ध्यान रखना है। तो ऐसे मैं करिश्मा कपूर का भी वीडियो देख रही थी परसों, तो वो भी वही बता रही थी, वो रात को डिनर पे राइस भी खाती है करके बोलती है, बट वो 7:30 के अंदर उनका खाना हो जाता है। आप भी ऐसे पोषण कंट्रोल करके अपना वेट हेल्दी तरीके से आप वेट लूज़ कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हफ्ते में ना 1 किलो हम लोग का वेट लूज़ होता है ना, वो हेल्दी है करके बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स महीने में 4 किलो वेट लूज़ होते हैं ना, वो हेल्दी वेट लूज़ करके बोलते हैं। बट स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अपना वेट ज़्यादा लूज़ होते हैं फ्रेंड्स, मेरा 6 किलो हुआ था स्टार्टिंग में पहला मंथ में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये सब चीज़ों का आदत नहीं रहता है ना, हेल्दी रूटीन का ना एक्सरसाइज का, तो बॉडी जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। बट अभी देखिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि 3 सालों से मेरा बॉडी को सब कुछ आदत है, हेल्दी रूटीन का भी है, पोषण कंट्रोल का भी आदत है, और एक्सरसाइज का भी आदत है, सब कुछ आदत है, तो बॉडी अभी रिएक्ट करना ही बंद कर दिया, अभी बस हो गया तेरा इतना ही करके, तो इसके लिए इतना ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कौन वेट लूज जर्नी में आते हैं ना, उन लोग को अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। अभी बीच में मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, उसी कारण मैं 4 किलो मेरा वेट गेन हुआ था, तो वही अभी मैं कम कर रही हूँ, ऐसे तैसे करके मैंने 2 किलो तो कम कर दिया, अभी 2 किलो कम करना है मुझे। तो ऐसा नहीं है अपना वेट इतना 25 किलो कम कर दिया, 55 में लाई थी, तो 55 में मेरा वेट अभी लाइफ लॉन्ग तक रहेगा ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत घटेगा बढ़ेगा ये तो रूटीन चालू ही रहेगा फ्रेंड्स। कौन वेट लूज़ किया है उन लोग को पता है, ये सब सबके साथ होता ही है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो निकाली थी, आज का वीडियो अच्छा लग रहेगा तो कमेंट्स करना लाइक करना मत भूलिए।